अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हमने स्टार्ट किया था, उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन भी और पार्ट भी सॉरी और चेंज इन टेंसेस वाला पार्ट भी हमने दोनों कर लिए थे। आज जो हमने करना है वो हमने थर्ड जो है वो चेंज ऑफ एडवर्ब वाला करना है। ठीक है, तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने लेक्चर पर जाते हैं। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया था। सो आज हमने स्टार्ट करना है चेंज ऑफ एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स, चेंज ऑफ एडवर्ब में स्टार्ट करने से पहले आपको बताती जाऊँ कि एडवर्ब वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में दिए होते हैं, और जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो हमने उनको चेंज करना होता है। ये मैंने एक टेबल दिया हुआ है, एडवर्ब चेंज्ड, एडवर्ब चेंज्ड, यानी ये कुछ वर्ड्स हैं इस रो में। ठीक है, और उनको चेंज करना है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो फिर हम उनको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बोलती जाती हूँ, आप लोग इस तरह से करें, अपने नोट्स डेवलप कर लें या फिर उसको मेमोराइज़ कर लें वन बाय वन, एक एक वर्ड करके उसको मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए कि उसको किस तरह से चेंज करना है। तो पहला जो इसमें वर्ड है वो थैंक्स, जब ये डायरेक्ट स्पीच में आएगा तो इसको इनडायरेक्ट करते हुए थैंक्ड में चेंज कर देंगे। टुडे जो है वो दैट डे में चला जाएगा। ठीक है, येस्टरडे द प्रीवियस डे में चला जाएगा। सर इन द अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेटेड में चला जाएगा, दिस दैट में चला जाएगा, दिस दोज में चला जाएगा। ठीक है, सेम इस तरह से गुड बाय बेड में गुड बाय में चला जाएगा, यानी जो वर्ड है गुड बाय हम रिमूव नहीं करेंगे अगर वो पेपर में एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है कि ही सेड टू मी गुड बाय। ठीक है, तो उसमें बेड में अगर वो प्रेजेंट में होगा तो हम उसको बिड मी गुड बाय कर देंगे, अगर पास में होगा तो बेड मी गुड बाय कर देंगे। ठीक है, तो ये बात जेन में रखिएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चला जाएगा, मॉर्निंग ग्रीटिंग में चला जाएगा या विश्ड में चला जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीटिंग और विश्ड मैंने दो वर्ड लिखे हुए, अगर तो आप लोगों ने ग्रीटिंग यूज़ किया वर्ड तो मॉर्निंग साथ यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देती हूँ कि ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि ही ग्रीटेड मी, तो सिंपली मैं उसको मॉर्निंग को ग्रीटेड में चेंज करके ग्रीटिंग या फिर ग्रीटेड में चेंज कर दूंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसको का वर्ड जो है मैंने विश्ड का वर्ड यूज़ करना है या विश का वर्ड करना है तो फिर मैं गुड मॉर्निंग का वर्ड यूज़ करूँगी, जैसे ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ही मैं अगर उसको इंटरेक्ट करूँगी तो उसको मेरा ये सेंटेंस हो जाएगा कि ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो विश्ड जब करेंगे तब गुड मॉर्निंग लगाएंगे, अगर ग्रीटिंग का वर्ड यूज करेंगे तो जस्ट ग्रीटेड कर देंगे। ठीक है, नो इन द नेगेटिव में चला जाएगा, नाउ देन में चला जाएगा। ये कुछ वर्ड्स थे, इसके अलावा अगर कोई और वर्ड्स हों तो वो मैं बाद में जो है ना वो अगेन ये एक लेक्चर आप लोगों को डिलीवर कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मैंने उसका एक एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तीन एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे ही सेड टू मी नो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट टूडे। ठीक है, अब इसमें वर्ड नो एडवर्ब है और वर्ड टूडे एडवर्ब है। ठीक है, तो इसको जब हमने इंटरेक्ट में किया तो ही टोल्ड मी इन द नेगेटिव नो, उसको चेंज करके हमने किस में किया, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ कि नो किस में चेंज हो जाएगा, इन द नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ही टोल्ड मी इन द नेगेटिव दैट ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी दैट डे। ठीक है, ये देखिए टुडे किस में जाएगा, दैट डे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया हमने, टुडे को दैट डे में कर दिया। ही सेड टू मी नो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी टुडे, तो ही टोल्ड मी इन द नेगेटिव दैट ही वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही शी सेज आई शैल विजिट स्कूल टुमारो। ठीक है, अब इसमें चूंकि टुमारो जो था वो एडवर्ब था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो ही सेज दैट शी विल विजिट स्कूल इन द फॉलोइंग डे, ठीक है, या फिर इन द नेक्स्ट डे। तो टुमारो को मैंने हाईलाइट किया हुआ क्योंकि इसमें चेंज होना था, इन द फॉलोइंग डे में हमने जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किया तो चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं, तो इसमें ही सेड टू मी थैंक्स,
ठीक है। अब थैंक्स इसमें जाएगा थैंक, तो ये सीधी सीधी बात है, ये आ जाएगी ही थैंक्ड मी, ठीक है। ये अक्सर इस तरह के वर्ड जो हैं वो इस तरह के एक्टिवाइज सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर्स में एग्जामिनर पूछता रहता है, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सेड टू मी गुड बाय, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब इसको किस तरह से करना है, तो इनको इस तरह से सिंपली हम लोगों ने कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एडवर्ब सिंपली था, छोटा सा ये पोर्शन था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। नेक्स्ट हम लोग पर्संस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि जो वर्ड्स हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे तो इन वर्ड्स को हमने चेंज करना है। ये वर्ड्स दिए गए हैं लिस्ट उसकी, और इनको आगे किस में चेंज करना है ये आप लोग अपने फिंगर टिप्स पे कर लीजिए, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपको हर स्टेप पे हर चीज़ फिंगर टिप्स पे करनी पड़ेगी, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा। और ये चीज़ है, दूसरी चीज़ मैंने ये चीज़ यहाँ पर बतानी थी कि कुछ वर्ड्स हैं जो मिसिंग हैं, मतलब लाइक इसमें मैंने ऐड नहीं किए, मेरे ख्याल में इतने ही वर्ड्स हैं। अगर आप लोगों को कोई वर्ड मिल जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, या फिर ये के मुझे ये कह दीजिएगा कि और वर्ड्स हैं जो कि ऐड होते हैं, तो मैं फिर उसमें और वर्ड्स भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। मैं ज़मीन हूँ, मेरा ज़र्फ आसमां का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है। मैंने CSS के अटैम्प्ट दी, मेरा नहीं क्लियर हो सका, सो उसके बावजूद भी आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, मैं स्टिल जो है वो मैंने गिव अप नहीं किया है, मैं स्टिल जो है मेरा पैशन है, मेरा जील जो है वो टॉप पे है, जिनत पे है, और इंशाल्लाह वन डे मैं अपनी जो है मेरा गोल है वो अचीव कर लूँगी, CSS नहीं तो कुछ और सही, सो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। उसके बावजूद कि मैं ज़मीन हूँ मेरा ज़र्फ़ आसमां का है, कि टूट कर भी मेरा हौसला चटान का है, कफ्स तो मेरे मुकद्दर में था लेकिन हवा में शोर अभी तक मेरी उड़ान का है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, ढेर सारा, स्टे ब्लेस्ड।